singing are coming across. You know, if from the time if you saw from Jaigo and you compare this song with Jaigo, there's a lot of difference in my voice also. Because those times I was 17, 18, and now I'm 20. And you know, over the years, my voice has matured even more. No one can explain the experience actually, because but for me it's a little different because I was very close to him, and he's like a you know, father figure who he's mentoring. They're very close to all of us. Be it Suraj, be it Antya, me, Amal, Daisy, you know, all of us. I thought, yeah, obviously. So, No, basically, Jaigo mein main starting mein, I was being featured in the video. So, uske liye he was saying ki you looking too chubby, you need to look like a star. If you don't present yourself that way, no one will take you like that. So, I think these kind of tips he's given, it's brilliant, and the relationship I share with him is very different from what. आपके जो भी गाने आते हैं जो भी आप गाते हैं वो इतने सारे इसको व्यूज मिलते हैं और सारे म्यूजिक चैनल पे नंबर वन पे चलते हैं जी. क्या सीक्रेट है इसके पीछे? सीक्रेट तो कुछ नहीं है एक्चुअली, सब हार्डवर्क है एंड हम ट्राई कर रहे हैं कि हम जो भी काम करें वो अच्छा करें, कम करें लेकिन यू नो क्वालिटी वर्क करें, एंड यही मेन एम है मेरा जी. एंड ये एक है कि जो भी गाना बाहर आए वो हमारा बेस्ट होना चाहिए जी. सो इस माइंडसेट के साथ मैं चल रहा हूँ एंड आई होप कि इसी तरह से जो लोग प्यार दे रहे हर गाने को, यू नो आई होप द सेम लव कंटिन्यू जी. जैसा आपने कहा कि जो भी गाना आया सब बढ़िया हो, बेस्ट हो. हाल ही में जो आपका ये नया गाना आया है तुम्हें अपना बनाने जी, ये आइडिया किसका था अपना बनाने की, और ये इतना अचानक से इतना हिट हो गया ये गाना, सोचा था आपने, और कैसे ही आइडिया आपके दिमाग? एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस गाने के बारे में, क्योंकि ये जब गाना रिलीज़ हुआ था मैं पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम पे, एंड मैं सिर्फ 20 साल का हूँ एंड 91 में रिलीज़ हुआ था ये, एंड आई वाज बोर्न 95. तो मैंने ये गाना स्टूडियो में ही सुना था, जो अमल ने मुझे सुनाया था उसका वर्जन, तो मैंने उसके पहले सुना ही नहीं था मैंने ये गाना. एंड मैंने इसे ट्रीट किया कि कोई नया गाना यू नो अगर कोई बनाएगा तो उसी तरह से मैंने ट्रीट किया कि दिस इज़ द सॉन्ग एंड आफ्टर सिंग इट. मैंने मेरे पास कुछ यू नो मैंने रिविजन नहीं की कि पुराना गाना सुना फिर ये गाना रिकॉर्ड किया, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने. तो अमल ने जिस तरीके से मुझे कॉम्पोजिशन सुनाया उसी तरीके से यू नो आई अडेप्टेड इट एंड आई सैंग इट इन द स्टूडियो. सिर्फ 2-3 दिन पहले मैंने सुना इसके ओरिजिनल वर्जन को, एंड यू नो पता लगा कि उस वो गाना किस तरह का था, एंड यू नो जो हम लोगों ने रिक्रिएट किया है वो बहुत ही अलग स्पेस का है, एंड लिरिक्स भी यू नो ऑलमोस्ट 80% अलग है. तो आई एम रियली हैप्पी कि इस गाने को इतनी सक्सेस मिली है एंड पीपल आर लविंग इट. जब आपने वो जो ओरिजिनल गाना आपने सुना और ये गाना, तो क्या मतलब लगा कि यार ये तो ओरिजिनल बहुत ज़्यादा हिट था, बहुत 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 बड़ा हिट जी, तो इसको भी हिट बनाने के लिए मुझे इस तरह से गाना होगा, इस तरह की म्यूजिक रहनी चाहिए कुछ? एक्चुअली वही जब मैं गा रहा था तो मैंने वो गाना सुना ही नहीं था, तो मैंने उस अंदाज से गाया ही नहीं, मैंने अपने ही अंदाज से गाया जी. तो कोई एक्सपेक्टेशंस तो होंगी ऑलवेज, बिकॉज पीपल लोगों ने तो वो गाना सुना है, बट फॉर मी आई सैंग इट एज अ न्यू सॉन्ग, कम्प्लीटली अलग गाना गाया एंड मैंने अपने स्टाइल से गाया, तो मुझे खुशी है कि जो मेरा स्टाइल है इस गाने के लिए वो लोगों ने एक्सेप्ट किया है, वो चल रहा है, तो आई थिंक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है इस गाने को लेकर जी. किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है खासकर फैमिली से, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली है आपकी जी, सारे म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग भी करते हैं आप, तो किस तरह का रिस्पांस आ रहा था? एक्चुअली ये 2-3 पहले जब ये गाना रिलीज हुआ था तो पापा हर टाइम मुझे पूछ रहे थे, मेरे को सुना ना प्रॉपरली, एक बार पूरा गाना सुनना है मेरे को, क्योंकि उन्होंने तो ऑब्वियसली ही इज़ हर्ड दैट सॉन्ग व्हेन इट वाज रिलीज्ड, एंड उनके लिए एक अलग ही फीलिंग है जब वो उस रिक्रिएटेड वर्जन को मेरे आवाज़ में सुन रहे हैं, एंड वो बाहर आके रिलीज़ हो चुका है एंड ऑलरेडी यू नो इट्स 1 million व्यूज़ हो गए उसको यूट्यूब पर और इतना हिट हो चुका है, तो उन्हें कोई और ही फीलिंग महसूस हो रही थी कि यू नो मेरे बेटी की आवाज़ है इस गाने पे, तो वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई जी. एंड सोशल मीडिया पे सब जगह पे सब लोग मुझे बहुत ही प्यार दे रहे हैं एंड सपोर्ट दे रहे हैं, तो आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड माय पेरेंट्स एंड अमल फॉर गिविंग मी दिस सॉन्ग जी. अनुजी से किस तरह का मतलब कुछ बातचीत हुई आपके गाने के बाद? नहीं, मैं बातचीत नहीं हुई जी जी. कैसा रहा एक्सपीरियंस भाई के साथ काम करके? हम लोगों ने इससे पहले 2 प्रोजेक्ट्स पे काम किए थे जी. वो था नैना फ्रॉम खूबसूरत और जय हो
सलमान भाई की, तो दोनों जो प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड ऑलवेज एक स्पेशल गाना भा रहा है, तो जय हो से तुमको तो आना ही था, लव यू टिल द एंड जो गाना आया था वो स्पेशल था। फिर नैना जो था खूबसूरत से, वो बहुत ही यू नो सरप्राइज हिट हो गया था, और आज तक यू नो लोग मुझे उस गाने से पहचानते हैं कि आप मैंने नैना गाया था। और एक्चुअली उस गाने में मैंने सिर्फ 4-5 लाइनें गाई थी अंतरे के, तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आफ्टर नैना तुम्हें अपना बनाने का यू नो आई गॉट अ चांस टू सिंग दिस सॉन्ग फॉर अमल। और ऐसे ही चलते रहे हमारी कोलैबोरेशन हर एक स्पेशल गाने पे। और एक है कि जब मैं और अमल कोलैबोरेट करें कोई भी गाने पे, तो वो अलग होना चाहिए एंड बहुत स्पेशल होना चाहिए, ताकि यू नो सालों तक वो लोगों को याद रहे। जी अरमान, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से टी सीरीज का जो आइडिया है कि उनके 90s के हिट थे या 80s के हिट थे, उसको एक बार फिर से रिक्रिएट करके जी जो यंग सिंगर्स है उनको मौका दिया जाए, ताकि भी उनको हिट होने का मौका मिल सके। जी, तो ये आइडिया बहुत अच्छा है, खासकर जो यंग सिंगर। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये एक ये इंडस्ट्री खोलने का आइडिया है। क्योंकि अभी तक आप देखा जाए तो जो चुनिंदे जो भी 1-2-3 जो सिंगर्स है वो ही गा रहे थे। एंड अभी क्या हो गया है कि कितने लोग हैं टैलेंट, एक्चुअली हमारे कंट्री में टैलेंट की कोई कमी है नहीं, लेकिन टैलेंट को राइट आउटलेट मिलने की कमी है। तो यही चेंज करने के लिए टी सीरीज रिक्रिएट कर रहे हैं गाने को, न्यू टैलेंट को दे रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी तरह दूसरे लोगों को भी यू नो इंडस्ट्री में आने का मौका मिल रहा है। तो ये बहुत ही नॉवेल आइडिया है, ये पहली बार हुआ है इंडिया में भी। एंड मैं चाहता हूँ कि यू नो ज़्यादा लोग आए इंडस्ट्री में, और यू नो ऑलवेज कॉम्पिटिशन इज़ हेल्दी। एंड यू नो जितने लोग हम प्रोड्यूस करें इंडस्ट्री में, यू नेवर नो कौन स्टार बन सकता है, तो उन्हें जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाए तो हमें पता नहीं लगेगा। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा कर रहे भूषण जी, इस मॉड्यूल को लेके आने के लिए इंडस्ट्री में। कितना बड़ा कंपटीशन मानते हैं, खासकर जो आजकल के सिंगर्स हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सिंगर्स आ गए हैं जी, लगातार हर गाने में एक नए सिंगर उभरते हैं और गाने भी हिट होते हैं। हाँ, आपके लिए कितना बड़ा कंपटीशन है आगे जाना? एक्चुअली देखा जाए तो किसी भी एंगल से कंपटीशन है, तो बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारे अलग वॉइसेस हैं, लेकिन यू नो अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना इम्पॉर्टेंट है। एंड जिस तरह से आप गाते हो उस तरह से सिर्फ आप ही गा सकते हो, ये आपको श्योर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी और के स्टाइल को कॉपी कर रहे हो तो देन आई डोंट थिंक कि आप लास्ट करोगे इंडस्ट्री में। वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी। एंड मेरा यही फोकस है और यही एम है कि मैं अपने खुद का जो आवाज़ है, जो मेरा ओरिजिनल आवाज़ है, वो बाहर आए, वो पॉपुलर हुए, ताकि आई हैव माई ओन यू नो स्पेस इन द इंडस्ट्री। जी, ये मान के चले कि अगले 10 साल जो आने वाला है, अगला 10 साल जी, वो अरमान मलिक के लिए लाइक उदित नारायण और कुमार सानू जो 90s में टचवुड होपफुली ऐसा हो हुआ करता था, यू नो सुपरस्टार सिंगर्स, वो अरमान मलिक का होने वाला है। मुझे तो यही ड्रीम, जिस तरह से आपकी स्टार्टिंग है जी, जिस तरह से आपने स्टार्ट किया है उसे देख के लगता है। मेरी ड्रीम ही ये थी कि मैं एक मशहूर सिंगर बनूँ एंड इस इंडस्ट्री में नाम कमाऊँ। ये ड्रीम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है मेरे लिए। एंड मेरा काम यही है कि मैं अच्छे गाने गाऊं एंड यू नो इन गानों से लोगों तक पहुंचूं। एंड मेरा एक एम है कि इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पे लेके जाऊं। क्योंकि अगर देखा जाए तो सब सिंगर्स जो हमारे इंडियन सिंगर्स हैं वो अभी तक ग्लोबल पॉपुलैरिटी नहीं पा पाए हैं। लाइक ऑब्वियसली लोग जानते हैं, जो भी इंडियन कम्युनिटी है अब्रॉड वो इन सिंगर्स को जानते हैं, लेकिन उस लेवल पे पॉपुलैरिटी लेके जाना चाहता हूँ कि इंडिया भी रिकग्नाइज्ड हो कि ग्लोबलाइज्ड मैप पे हमारे म्यूज़िक अवेलेबल है एंड दैट वी आर एज बिग एज अदर आर्टिस्ट्स। तो ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है एंड मैं चाहता हूँ कि आप सबका ब्लेसिंग्स, लव और सपोर्ट मिले। जी जी, अरमान एक डायलॉग है कि मेरे पास माँ है जी, जी आपने तो सुना ही होगा। हाँ, तो आपके पास तो माँ के साथ सलमान भी है। हाँ, तो सलमान का सपोर्ट, या जब सलमान को पता चले किसी के अंदर टैलेंट, मेरे पास भाई है, भाई भी है ना, वो तो मेरे पास भाई, फैमिली है, नहीं मैं तो भाई, सलमान भी, हाँ भाई, सलमान भाई, सलमान भाई भी है, तो उनका हाथ होना सर पे कितना इम्पोर्टेंट, कितना मतलब कितना मोटिवेट मिलता है आपको जब वो किसी चीज को क्रिएट करते हैं? एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है, क्योंकि यू नो उनका सपोर्ट मिलना बहुत कम लोगों को मिलता है उनका सपोर्ट। एंड मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे उनका सपोर्ट मिला, उनका प्यार मिला है
एंड कि वो मुझे गाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक एक होता है कि वो अपना नाम दे रहे हैं आपको एंड टू यूज़ इट एंड गो अहेड, लेकिन एक होता है कि ही इज़ सिटिंग डाउन विथ यू एंड बोलते हैं कि ये करो, डोंट डू दिस, ये गलत है आपके लिए. तो ऐसा एडवाइस मिलना सलमान भाई से, आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग. एंड यू नो, एक जो रिलेशनशिप है उनके साथ, वो मेरे बड़े भाई जैसे ही है. जैसे मैं अमल के साथ डिस्कस करता हूँ, मैं सलमान भाई के साथ भी ऐसे डिस्कस कर सकता हूँ. एंड जो भी मेरे नए गाने वो उनको सुनाता हूँ. एंड तो ऐसा एक रिलेशनशिप बन गया उनके साथ. एंड मुझे लगता है कि मेरी करियर की शुरुआत जिस तरह से हुई जय हो में, और मेरे एल्बम लॉन्च पे भी वो आए थे, तो यू नो उनकी जब ब्लेसिंग्स आया था, आई थिंक दैट आई विल गो फार, बिकॉज यू नो ही इज़ अ वेरी लविंग पर्सन, केयरिंग पर्सन. एंड वो सोचते हैं कि अगर टैलेंट है तो उसे उसमें हार्डवर्क डालनी चाहिए, क्योंकि लक का हो या ना हो वो तो इट्स ऑल अपॉन डेस्टिनी, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू वर्क हार्ड एंड यू मेक योर ओन नेम. एंड वो मानते हैं कि सही टैलेंट को सही आउटलेट मिलना चाहिए, चांस मिलना चांस चाहिए. मिलना चाहिए. एंड अगर आप देखा जाए तो जो भी उनके साथ है, डेजी भी हो, उनका जय हो में डेब्यू हुआ था. तो ऐसे कितने लोग हैं दैट दे वांट चांसेस, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे गेट चांसेस. एंड यू नो डेजी वाज अ बैकअप डांसर बिफोर, एंड यू नो फॉर हर टू गेट अ ब्रेक विद भाई एंड जय हो वाज अ बिग थिंग. एंड वो हेट स्टोरी में भी है इस फिल्म में. तो मुझे बहुत खुशी है कि हम सब जो मेंटोर्ड है सलमान भाई के साथ, हम सब आगे जा रहे हैं एक साथ. एंड बहुत ही अच्छी फीलिंग है. जी अब प्रेशर तो होगा ही क्या यार, अब तो सारे गाने हिट हो रहे हैं, अब आगे चल के और भी इससे भी ज़्यादा हिट हो, सुपर हिट हो, जी यू नो लोगों की जुबान पे हो, जी ऐसा कुछ प्रेशर है? बहुत अच्छा करना है. एक्चुअली खुद से ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन वो रखनी नहीं चाहिए. इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो गाना आप करो वो दिल से करो एंड मेहनत लगा के करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी मेहनत दिखाई देती है. एंड मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा गाने एक बैक टू बैक देने नहीं चाहिए. थोड़े गैप के बाद अच्छे गाने दो, तो आई थिंक इट मेक्स सेंस. एंड होपफुली ऐसा ही चलते रहे फॉर मी, एंड आई कीप गिविंग गुड सॉन्ग्स एंड आप सबको अच्छे लगे. जी आने वाले फ्यूचर में कौन कौन से गाने सुन सकते हैं, कोई नया एल्बम या कुछ? एक नया सिंगल आ रहा है मेरा, नॉन फिल्म सिंगल, जो अमल कंपोज कर रहा है, और ये बहुत ही स्पेशल सिंगल है, बहुत ही जल्द आने वाला है. मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत स्पेशल है, लेकिन जब आएगा आई एम श्योर कि यू ऑल विल लव इट. एंड वो एक है, देन मैं थोड़े गाने गा रहा हूँ फॉर अमल अगेन. इन एक गाना है मस्ती ज़्यादे में, मिक्का पाजी के साथ एक डुएट है वो. एंड कपल ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स इज वेल कमिंग आउट. घायल रिटर्न्स में भी मैंने एक गाना गाया था शंकर एहसान लोहे के लिए, ओके. तो मेरे ख्याल से 2016 में आएगा वो. पूरी बिजी है इस समय आप, बस वो है, फिर शोज चल रहे हैं मेरे, कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं अलग अलग देशों में, सिटीज़ में. जी तो आई एम वेरी हैप्पी कि इन गानों के वजह से ही जो सक्सेस मिलती है, सब गानों के वजह से मिलती है, म्यूज़िक के वजह से मिलती है. तो काम अच्छा करो तो आई थिंक 80% ऑफ योर अपने आप वर्क हो इज डन जाएगा. देयर. जी जाते जाते एक गाना, ये गाना सुना दीजिए जी. मेरे. तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है कब से है, मुझे आदत बना लो एक बुरी कहना ये तुमसे है. तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है कब से है, सर पे है कब से है. थैंक यू. अच्छा बनता था. मैंने गाना था ना जो चल वहाँ जाता, वो टेरेस पे बना था, वो बहुत मुझे पसंद है, अच्छा लगता है. अरे सुपर था, थैंक यू. वो भी अपने कंपोज किया था मैंने, शुरू में पढ़ा नहीं था, बहुत अच्छा. अरे कंपोजर को 10 साल लगते हैं यार पहचान बनाने, सिंगर्स को ऐसे पहचान होती है. आप इस साल देख लो, सूरज डूबा, चार शनिवार, जिंदगी आ रहा मैं, चल वहाँ जाते हैं, तेरे बिन नहीं लागे जिया, सैया सुपरस्टार, मैं हूँ हीरो तेरा हो खुदा, सब मेरे हैं. पर किसी को ऐसे फेस से नहीं पता चलता मेरे. वो आप लोग करो प्रमोट, मेरे को तो कहीं पहुंचूंगा.
नहीं नहीं आप खुद ही हो जाओ. थैंक यू. गो इन साइड खुशबू. आई एम किडिंग. ओके अमल स्वागत है. कैसा कैसा फीलिंग करते हैं जब यूट्यूब चालू करते हैं या सब वही गाने सुन रहे हैं तुझे अपना बनाने का जुनून सर पे. बहुत ग्रेट फीलिंग है. हर कॉलर ट्यून अभी समय वही है, रिंगटोन वही है, इवन रास्ते में भी सब वही गाना गा रहे हैं. बहुत बहुत ही ग्रेट फीलिंग है क्योंकि देखो एक बहुत सिंपल बात है. जब आप एक मिनट यू ऑल हैव टू कीप साइलेंट प्लीज यार. इट्स ऑल कमिंग. खुशबू नहीं जाओ मत यार. साइलेंट नहीं हो सकते. यानी कैसे लोग साइलेंट नहीं हो सकते पर जा सकते हैं. ये सी ब्रो ये क्या बात है जा रहे हैं. हाँ एक्चुअली तुम्हें अपना बनाने का की कसम जो ओरिजिनल है उसको लिव अप करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क था. जैसे ओरिजिनल आज फिर तुम पे था हेट स्टोरी 2 में जो ऑर्को प्रणव मुखर्जी जो कंपोजर है उन्होंने बेहद ही सुपर जॉब किया था. यानी जब वो गाना मैंने सुना था रेडियो पे मुझे लगा था मैं भी कभी रिक्रिएशन करने मिले तो मैं करूँगा. एंड ऐसी ऐसी डेस्टिनी घूमी और आई गॉट हेट स्टोरी 3. यानी एंड आज रिवर्स हुआ. उस टाइम पे मैंने ऑर्को को फ़ोन करके बोला था कि भाई ब्यूटीफुल सॉन्ग आपने बहुत अच्छा इसको रिक्रिएट किया. आज उनका मेरे जो फ़ोन आया कि बहुत ही अच्छा बना है. एंड तुम्हें अपना बनाने जो नदीम शरण जी ने जो म्यूज़िक किया था गुलशन जी के साथ वो एक टीम थी वो जो 15-20 सालों तक लगातार सुपर हिट्स दे रही थी. आज भी हिट है. आज भी वो गाने आप रिक्शा वाले टैक्सी वाले क्लब्स में भी वो उसका रीमिक्स बजता लोग पागल हो जाते हैं. सो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि मैं जानता था कि ओरिजिनल बहुत ही बड़ा हिट है. तो उसको आज का गाना बनाने का जो एक रिक्रिएशन और रिकम्पोजिंग का जो मुझे पोजिशन दिया भूषण जी ने तो मैंने बोला मैं ट्राई करता हूँ. अगर अच्छा नहीं बना और अगर मैं खुश नहीं हूँ और आप खुश नहीं हो तो हम नहीं करेंगे बट ट्राई करते हैं. और ये ट्राई करते करते मैंने एक नया अंतरा बना जो ओरिजिनल था. उसमें था मोहब्बत क्या तो है दर दा 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 ऐसा था. इसमें अलग है कि जिस्म के समंदर में एक लहर जो ठहरी है उसमें थोड़ी हरकत होने दो. शायरी सुनाती इन दो नशीली आँखों को मुझको पास आके पढ़ने दो. इश्क की ख्वाहिशों में भीग लो बारिशों में आओ ना. तो ये नया अप्रोच था. और जो हेट स्टोरी का जो फ्रेंचाइज जो ब्रांड है जो थ्रिल है जो पैशनेट वीडियो बनाना है तो उसको मैच करने के लिए एक नया अंदाज नए लिरिक्स थे. तो इसमें जब आज मैं जैसे आप भी कह रहे हैं और बहुत लोगों ने मुझे ट्वीट किया है काफ़ी लोगों के फ़ोन आए कि ओरिजिनल पे काम करते हुए भी ओरिजिनल की जो एक सिंप्लिसिटी थी वो आपने नहीं हटाई. मेरा एम वही था कि धुन मुखड़े की मैं चेंज नहीं करूं क्योंकि वो बदल देंगे तो फिर क्लासिक क्लासिक नहीं रहता. तो हाँ क्योंकि हमने सिर्फ जो तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है कसम अनखाई मेरे हिसाब से एंड इवन भूषण जी फेल्ट कि आज की जो यूथ है और जो पब्लिक है वो कसम खाई और ये सब शब्दों में ज़्यादा उन कनेक्ट नहीं होते क्योंकि आज बहुत फास्ट दुनिया है. लोग इतना प्यार तो करते नहीं है. शायद हम कर पाएंगे किसी से प्यार जो ऐसे गाने बना पा रहा हूँ मैं. पर लोग आजकल सब लोग उसी मोड में कि गर्लफ्रेंड ने देखेंगे कल क्या होता है यू नो. तो वो एटीट्यूड को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर मेरे लिरिक्स आज की ऑडियंस के माइंडसेट जैसा नहीं होगा तो गाना नहीं चलेगा. इसलिए हम लोग ने तेरे अपना बनाने का जुनून सर पे है कब से है मुझे आदत बना लो एक बुरी कहना है तुमसे जी. तो ये बातें मैंने और रश्मि विराग जो राइटर है इज़ अ वेरी बिग राइटर जिन्होंने फिल्म फेयर जीता फॉर मुस्कुराने की वजह तो हम लोग ने ये एक रात को बैठ के क्रैक किया एंड रिस्पॉन्स इज ग्रेट. आज 2 मिलियन जा रहा है और जी. सिर्फ कितने 3 दिन हुए 3 दिन हुए गाने को आके जी. और आगे भी जाएगा. अमल एक चीज़ और भी जाना जैसा आपने कहा कि भूषण जी और यू नो बहुत बड़ा गाना था बहुत बड़ा सॉन्ग था ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था आपके लिए क्योंकि उससे उसके ऊपर चलना यू नो एक्सपेक्टेशन है भूषण कुमार यू नो सॉन्ग्स नदीम श्रवण का गाना बहुत ज़्यादा यू नो फैमिली प्रेशर्स. तो कैसे हैंडल किया आपने इस चीज़ को?
ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, अरमान के लिए भी एक चैलेंज है, क्योंकि नीति मोहन जो सिंगर है वो एक सुपर एस्टैब्लिश्ड बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है, एंड शी इज़ प्लेइंग द फीमेल वॉइस उस गाने में. आई डोंट, ओरिजिनल में फीमेल पार्ट नहीं था गाने में, मेनली कुमार शानू जी का गाना था, सेकेंड अंतरे में या कहीं आता है मुखड़ा, पूरा पूरा कुमार सर का गाना था, जो पूरे लाइन्स थे मुखड़े की. तो अरमान को कुमार शानू सर के शूज फिल करना उसके लिए भी एक चैलेंज था, और मेरे लिए नदीम शरण जी का म्यूजिक के ऊपर जाना भी एक चैलेंज था. तो हम दोनों पे ये प्रेशर तो था, बट बेसिकली अगर सिंपली बैठ के एक शाम को प्यार से गाना बनाया जाए तो हर प्रेशर निकल जाता. अच्छे से गाना बनाएंगे, अंतरे अच्छे बनेंगे, लिरिक्स बहुत ज़रूरी है मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे आप जितने गाने देखोगे मैं लिरिक्स पे बहुत ज़्यादा वो हार्ड वर्क और रिवर्क करता हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रोड्यूसर को भी सुनाने से पहले मैं लिरिक्स राइटर की ज़िंदगी बहुत ख़राब कर देता हूँ, बहुत मेहनत कराता हूँ, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, क्योंकि मुझे शायद एक एज का जो कनेक्ट है, मैं मेरे सब सीनियर्स हैं इंडस्ट्री में जितने भी कंपोजर्स हैं, मैं 24 का हूँ, अरमान 20 ईयर्स का है. तो हम लोग के जो दोस्त हैं, जो मेरे दोस्त है, जो मेरा ड्राइवर है, जो मेरे सिक्योरिटी है बिल्डिंग की, इन लोग सब मेरे ऑडियंस है. मैं कोई भी गाना पहले अपने दोस्तों को सुनाता हूँ, कभी अपने ड्राइवर को सुनाता हूँ, तो इन लोग से एक सच्चा ओपिनियन आता है, कि उन लोग कभी ये नहीं बोले हाँ तू मेरा दोस्त है अच्छा बना लिया, अच्छा नहीं है तो मैं आगे सुनाता भी नहीं हूँ. तो जब वो ऑडियंस खुश हो जाती है ना इस गाने से, तभी मैं आगे लेके जाता हूँ. सो एक प्रेशर हमेशा से था, क्योंकि गाना बहुत लेजेंडरी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. पर मुझे रिसेंटली श्रवण जी से बहुत ही दाद मिली इस गाने के लिए, उन्होंने बोला भी कि ये जो रिक्रिएट किया है, इसलिए मैं खुश हूँ कि तुमने ही किया है. मैं और कोई बेटर कैंडिडेट मैं नहीं चुनता. वो उन्होंने ये बात बोली कि अगर या तो मेरे बेटे होते जो करते रिक्रिएट, और उनके अलावा अगर कोई भी हमारा गाना करता तो आई एम हैप्पी कि तो ये बहुत बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है जिसने गाना बनाया है. आज अगर मैं गाना बनाऊँ और 25-30 साल बाद को इसे रिक्रिएट करे और अच्छा करे तो मैं बहुत खुश होऊंगा. तो एक उनसे, वो इतने लेजेंडरी कंपोजर्स है, तो उनसे ये मिलना इज व्यूज कोई मायने नहीं रखते जब गाने के ओरिजिनल मेकर ही आपको ये बात कहे. स्टूडियो में जब होते हैं और अरमान गाने के लिए, तो वो मेरे सर पे टेबल फेंकेगा, चेयर फेंकेगा, बोले ये क्या धुन बनाई है, तो वो लड़ाई चलती रहती है. मैंने हीरो के टाइम पे जो एक जो गाना था, और जो फिल्म वर्जन अरमान का है, ओरिजिनल वर्जन मैं हूँ हीरो तेरा, एंड प्रमोशनल सलमान सर ने गाया, तो जो इसने ओरिजिनल गाया था, मैंने रिलीज़ होने के 2 महीने पहले वो ओरिजिनल वर्जन के जो अरमान की आवाज़ थी वो डिलीट कर दी थी. और किसी को ये बात पसंद नहीं आई, ना ही सलमान सर को, उन्होंने बोला इतना अच्छा गाया बच्चे ने, तूने उसकी आवाज़ क्यों हटा दी, बोला क्योंकि वो इससे बेहतर गा सकता. मैं जानता हूँ कि मेरा भाई है, मैं जानता हूँ मैं उससे क्या निकलवा सकता हूँ. वो ऑब्वियसली बहुत ही खुद ही एक गुणी सिंगर है, टैलेंटेड है, और सलीम सुलेमान, अमित त्रिवेदी, प्रीतम का सबके साथ काम कर चुका है, कर रहा है, जिंगल्स कर चुका है, फिल्म गाने कर चुका है, चिल्लर पार्टी में अमित त्रिवेदी के साथ उसने काम किया. तो उनका स्टाइल अलग होता है, सब हर एक कंपोजर की अपनी स्टाइल होती है. मेरे लिए जब मैं स्टूडियो में जाता हूँ, मेरे लिए वो मेरा भाई नहीं, एक सिंगर है. मैं ये नहीं सोचता कि भाई है, जो कर लेगा सही करेगा, कभी नहीं. उसको मैंने वो रो के मेरे पास आया था, मेरे डैड को भी बोला, मेरे से जलता है, मेरा आवाज़ हटा दी, ये कर दिया वो कर दिया. तो मैंने उसे समझा, अब जब तू गाएगा तो जो ओरिजिनल है ना उसको कोई याद नहीं रखेगा, तू इससे भी अपने ही आवाज़ से आगे निकलेगा, मेरे पे भरोसा कर, जस्ट ट्रस्ट मी. तो वो एक रिस्पेक्ट की भी बात है कि हम लोग में 5 साल का एज डिफरेंस भी है, तो वो मानता है कि बड़ा भाई है, शायद सही कह रहा होगा. पहले छोटा है ना, तो छोटा हमेशा लगता है कि मेरी चीज़ छीन रहा, तो उसको बुरा लगा था. बट आप अगर आज देखो मैं हूँ हीरो तेरा, उसने जो गाया एंड तुम्हें अपना बनाया जो गाया, वो उसकी टैलेंट भी है. बट कहीं ना कहीं मेरा एक इनपुट जब आता है कि ऐसे नहीं ऐसे गाना, तो वो एक सिंगर के लिए बहुत ही ज़रूरी है. कहीं ना कहीं आपका भी जुनून जो है वो उसकी ज़रूरी है, क्योंकि क्या है, मैं जो गाने जो भी बनाता हूँ, मैं कभी ये सोच के नहीं बनाता कि मैं अरमान के लिए आज गाना बनाऊँगा, या अरिजीत के लिए बनाऊँगा, या आतिफ असलम, या सोनू जी. ये सब लोग अपने अपने जोन में सुपर्ब सिंगर्स है, पर जब गाना बनता है वो धुन के बाद सिंगर चुना जाता है, कौन इस धुन को निभा सकता है, तो वो बहुत ज़रूरी है. अगर आप
इस जोन में चले जाओ कि नहीं मैं अपने भाई के स्टाइल का गाना बनाऊंगा जो उसे सूट होएगा, तो ना वो सीखेगा कुछ नया, ना मैं कुछ ऑडियंस को नया दे रहा हूँ। तो कोशिश यही है कि हम अलग अलग काम करें, एंड लड़ाई या डिफरेंसेस तो होती रहती है। मैं कभी कोई ट्यून बनाता हूँ, मैं उसे सुनाता हूँ, तो वो बोलता नहीं थोड़ा ऐसे कर दे। तो घर पे ही एक म्यूजिकल फैमिली है, घर में गाना रिजेक्ट हो जाता अगर अच्छा नहीं, क्योंकि डैड है, भाई है, एक एक पड़ाव से बढ़ के फिर जाता है स्टूडियो। एज अ म्यूजिक कंपोजर किसे एडमायर करते हैं आप, किसके फॉलोअर्स हैं? मैं जो वेस्टर्न म्यूजिक जो है, जो हॉलीवुड बैकग्राउंड स्कोर्स सब करते हैं, हैंस ज़िमर करके एक है, बहुत बड़े कंपोजर है, डार्क नाइट, बैटमैन का उन्होंने किया। बट बॉलीवुड में आई लव प्रीतम सर, मैंने उनसे काफ़ी सीखा, उन्हें असिस्ट किया, एंड रहमान सर, ये दो कंपोजर्स हैं जिनको मैं बहुत ही एडमायर करता हूँ और उनसे काफ़ी कुछ सीखने मिलता है, स्पेशली प्रीतम दास से, क्योंकि मैंने जितनी भी मेरी म्यूज़िक असिस्टिंग का पीरियड था जब मैं असिस्टेंट था, मैंने उनके साथ बहुत कुछ सीखा है, तो मैं उनका फ़ैन हूँ कम्प्लीटली। अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी आफ्टर हेट स्टोरी, मस्ती ज़्यादे एक फिल्म है, दोनों मस्ती वाली, दोनों थोड़ी टेढ़ी फिल्में मैं कर रहा हूँ बाय द एंड ऑफ द ईयर, बट नेक्स्ट ईयर सनम रे है एक फिल्म जो भूषण जी की वाइफ डायरेक्ट कर रहे हैं, दिव्या खुशला कुमार जी, धोनी के ऊपर जो बायोपिक बन रही है उस पर भी जी, उसमें भी गाने चल रहे हैं, अभी लॉक पूरे पूरे नहीं हुए, तीन चार गाने मैंने किए हैं, पूरी फिल्म होते ही मुझे फिर मैं तब बोल पाऊँगा। अभी मैंने सिर्फ नीरज पांडे जी जो बहुत ही दिग्गज डायरेक्टर है उनके साथ काम करने का मौका ही मिला, वो एक बड़ी बात है, क्योंकि मुझे डेब्यू करके एक डेढ़ साल ही हुआ है और ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि धोनी जैसे सुपरस्टार के ऊपर म्यूजिक बनाना है, यू नो उनकी लाइफ के ऊपर फिल्म बनती है तो पूरी दुनिया देखेगी। यार ये झारखंड वाला गाना गाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, कर रहा हूँ ऑलरेडी बना रहा हूँ जी। तो वो वही बात है कि मैं अभी हम लोग बैठ के वो जो एक उस टाइम का म्यूजिक जहाँ से वो है, जो झारखंड है, जो उस मिट्टी का शब्द है, वो सब पे लिरिक्स मनोज मुंतशिर जी लिख रहे हैं, तो उन्हें ये सब चीज़ों की समझ है। तो हम लोग ने ऑलमोस्ट 30-40 दिन साथ में जैम किया है, तो हम प्रेजेंट कर रहे हैं नीरज जी को, तो अभी वो उस मोड पे है कि गाने गए हैं, थोड़े शूट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वो अभी कंफर्म होते ही मैं आपको बताऊंगा, बट यस आई एम वर्किंग टूवर्ड्स धोनी जी। और एक फिल्म है जो मेरी धोनी से पहले आएगी, विच इज़ एयरलिफ्ट, काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, निखिल अडवाणी सर के साथ मेरी सेकंड फिल्म है, वेर ही इज़ द प्रोड्यूसर दिस टाइम, और राजा मेनन करके एक डायरेक्टर है, एयरलिफ्ट निमरत कौर और अक्षय कुमार के साथ, तो उसमें मैं और वो अंकित तिवारी है जो बहुत ही सुपरबली टैलेंटेड है, तो एक अच्छा एल्बम, अलग एल्बम होगा, जहाँ मैं पहला एल्बम जहाँ सिर्फ हम दो साथ में, तो आई एम होपिंग हम अच्छा म्यूजिक बना के आप लोग तक लेके आए जी। कंपोजर तो आप बहुत अच्छे हैं, गाना भी मैं वो गाना गाऊंगा जो मैंने हीरो में गाया था, ओ खुदा करके। तेरे बिन जीना है ऐसे, दिल धड़काना हो जैसे, ये इश्क है क्या दुनिया को हम समझाए कैसे, दिलों की राहों में हम कुछ ऐसा कर जाए, एक दूजे से बिछड़े तो सांस लिए बिन मर जाए, ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने तो बस इश्क है किया, ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने तो बस इश्क है किया। सुपर, थैंक यू।